हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा और सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे हम लोग ने, एक प्रिमिटिव था और एक सेंटर था। सेंटर में तीन था, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेवन क्रिस्टल सिस्टम, यानी सेवन क्रिस्टल सिस्टम विच लेड टू 14 ब्राविया स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम चलो अभी एक स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट, ठीक है, सेवन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, सेवन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर एंड दिस विल गिव राइज टू 14 मैवेस लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो सेवन क्रिस्टल लैटिस है, जो बाद में जिसमें और भी पूरा मिला जाए तो 14 बायोस लैटिस बन जाता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली अपॉन सिक्स पैरामीटर, दैट इज ए बी सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा, मींस एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस। ठीक है, सिर्फ ये छह पैरामीटर पर डिपेंड करता है कितने टाइप के। ठीक है, तो हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सेवन क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सी देयर आर सेवन। ठीक है, हम एक एक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है क्यूबिक, ध्यान रखिएगा। मैं पहले नाम लिखता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूं। क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल यहां पर हम लोग सेवन टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं। यहां पे क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, यहां पर यू विल गेट ऑल द थ्री साइड्स, दैट ऑल थ्री एजेस ए बी सी इक्वल, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री एजेस आर इक्वल। ठीक है, ऑल द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, हमको पता है अल्फा किसके बीच का एंगल होता है, बी और सी के बीच का, बीटा किसके ए और बी के बीच का एंगल होता है, गामा किसके बीच में होता है, ए और अच्छा बी और सी के बीच का होता है। ठीक है, तो सॉरी गामा किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों एंगल्स और ये क्यूबिक है। टेट्रागोनल में हमारे पास यहां पर हमारा ध्यान है ए इज इक्वल टू बी बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक साइड जो है, एक जो एज होगा वो अलग होगा, बाकी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लेट्स मूव टू ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन वी विल मूव ऑन मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमारे पास है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो एंगल जो होते हैं अल्फा और बीटा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड द थर्ड एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देन वी गो टू ट्राइक्लिनिक। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, वो तो क्लियर है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, दे ऑल आर डिफरेंट। नाउ इन हेक्सागोनल वी हैव ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर, यहां पर हमारे पास एक एंगल जो होगा गामा बिटवीन गामा इज बिटवीन ए एंड बी, दैट एंगल इज इक्वल गामा इज बिटवीन गामा ए एंड सी। ठीक है, तो एक एंगल जो होगा दैट इज 120 डिग्री
और रोम्बोहेड्रल जो है, रोम्बोहेड्रल आपको ध्यान रखना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स ऑल द थ्री एजेस आर एज एंगल्स आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन सेवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. नाउ अभी देखते हैं 14 ब्रायोस लैटिस कैसे बन रहा है, 14 ब्रायोस लैटिस कैसे बन रहा है. हम लेते हैं पहले क्यूबिक में, क्यूबिक में तीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, उनका अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स. क्यूबिक में हमारे पास तीन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स है. विचार करें इन क्यूबिक वी हैव थ्री, वन वी गॉट थ्री, दैट इज सिंपल या प्रिमिटिव. सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर दे कंटेन ओनली वन एटम. कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद. देन वी हैव बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एंड वी हैव फेस सेंटर. बाकी ए बी सी इक्वल, अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री. ठीक है, ये तीन हमारे पास सिंपल क्यूबिक. मैं आपको बताया सिंपल क्यूबिक क्या होता है लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, उसने आपको बताया सिंपल क्यूबिक क्या था, बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है. इन टेट्रागोनल, इन टेट्रागोनल वी आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट, दैट इज सिंपल यानी प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, जो भी है. एंड द सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर. इन ऑर्थोरोम्बिक वी आर गेटिंग फोर, चार अरेंजमेंट है इसके अंदर. वन इज सिंपल यानी प्रिमिटिव, देन बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, देन फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक एंड एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक. ठीक है, देन इन मोनोक्लिनिक वी गॉट टू, इन मोनोक्लिनिक वी आर गेटिंग टू, दैट इज सिंपल प्रिमिटिव. देखो सिंपल प्रिमिटिव सारे स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेंगे, सिंपल प्रिमिटिव सारे स्ट्रक्चर में मिलेंगे और इसमें एंड सेंटर आएगा, एंड सेंटर. ठीक है, इन ट्राइक्लिनिक वी हैव सिंपल ने प्रिमिटिव, इन हेक्सागोनल आल्सो वी हैव सिंपल ने प्रिमिटिव, रोम्बॉइड आल्सो वी हैव सिंपल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर क्यूबिक के पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं, थ्री, टेट्रागोनल दो है, तीन दो पांच, थ्री प्लस टू फाइव, ऑर्थोरम्बिक कंटेन फोर, फाइव प्लस फोर नाइन, मोनोक्लिनिक वी हैव टू, 11 एंड 12 13 14. नाउ दिस इज द 14 ब्रायोस लैटिस स्ट्रक्चर. सो दिस इज द ओवरऑल, आपको याद रखना है, आपको बस यही याद रखना है कि हमारे पास सेवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स आप ध्यान में रखिए. क्यूबिक क्यूब हम बचपन से पढ़ते रहे, हमें पता है क्यूब कैसा होता है, उनका तीनों एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और तीनों जो साइड्स होते हैं ए बी सी वो भी इक्वल होते हैं, सेम साइड होते हैं. ठीक है, फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में हमारे पास क्या होता है, एक साइड सिर्फ अलग होता है उनका, दो ए और बी सेम रहेगा बट सी जो है थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा, उसका जो लेंथ होगा इज कंपेयर टू ए एंड बी मोर या लेस होगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक साइड जो है वो अलग रहेगा. ऑर्थोरम्बिक में हमारे पास कोई भी साइड सेम नहीं रहेगी, ए बी सी ऑल द थ्री एजेस आर डिफरेंट, मतलब आप देखेंगे ए का साइज छोटा रहेगा, बी का साइज बड़ा रहेगा, सी का साइज बड़ा रहेगा, या बट दे आर नॉट इक्वल एंड ए बी अल्फा बीटा गामा इक्वल एंड. मोनोक्लिनिक में साइड इक्वल नहीं होंगे, साइड एक भी इक्वल नहीं होंगे, उनका एजेस देखोगे ना तो एक भी एज इक्वल नहीं होगा, लेकिन दो एंगल जो होते हैं, मतलब कौन सा, ए और बी का एंगल, ए और बी का, ए और बी का एंगल और बी और सी का एंगल, मतलब अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री का होगा और गामा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा. तो अल्फा किसके बी के एंगल है, बी और सी, और बीटा किसके, ए और बी, तो ये दोनों 90 रहेंगे, लेकिन जो बचा हुआ एंगल है गामा वो 90 नहीं रहेगा. तो मोनोक्लिनिक की बात है. ट्राइक्लिनिक में ऑल द थ्री एंगल्स आर, ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड इक्वल नहीं रहेंगे, ए अलग रहेगा, बी अलग रहेगा, सी अलग रहेगा, एजेस, लेकिन तीनों एंगल्स भी अलग ही रहेंगे, मतलब डीसी के बी का एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम एसी एंड एसी का डिफरेंट फ्रॉम एबी, तो ये अलग अलग रहेंगे एंगल्स. ठीक है, हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल रहेंगे,
बट थर्ड साइड उसका इक्वल नहीं रहेगा। दो एंगल्स 90 डिग्री करेंगे, थर्ड जो एंगल है वो 120 डिग्री करेगा, और उनको तीनों भी इक्वल रहेंगे, साइड ए साइड बी साइड सी, मतलब एच ए एच बी एच सी, बट दे आर इक्वल, और तीनों एंगल जो है अल्फा बीटा गामा दे आर ऑल्सो इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं बोलता हूँ जो सामने वाला 120 डिग्री अल्फा है तो बीटा गामा भी 120 डिग्री करेगा, लेकिन 90 नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो दिस इज द सेवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सोचिए और आप उसको आंसर आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम लोग अभी सिंपल क्यूबिक, 12th स्टैंडर्ड में आपको क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो मैं बता देता हूं। तो ये था हमारा सेवन क्रिस्टल लैटिस, इट विल लेड टू 14 ब्राविया लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हाउ दी एटम्स आर अरेन्ज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, देखो हमें देखना है जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, क्यूबिक में हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं, एक है मैंने बताया फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, सिंपल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ठीक है, दूसरा हमें जो मिलता है बॉडी सेंटर। ठीक है, और तीसरा जो हमको मिलेगा वो फेस सेंटर। ठीक है, इतनी जगह बात मिली है तो ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बॉडी सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाता है या प्रिमिटिव सेल में क्या हो जाएगा, अगर वो जो क्यूब समझिए क्यूब है हमारा, ठीक है दिस इज द क्यूब, अब आप इसे क्यूब ही कंसिडर करके रखो, अगर आपको नहीं लग रहा है क्यूब तब भी ये क्यूब ही है प्लीज। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब का हर एक कॉर्नर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, देयर आर एट कॉर्नर, हर एक क्यूब में आठ कॉर्नर है, तो एवरी कॉर्नर, वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय एट अदर क्यूब्स, तो ये ध्यान रखना, मतलब इस कॉर्नर पे ये तो ऑलरेडी एक क्यूब यहां पर प्रेजेंट है, ये क्यूब नंबर वन है, इसके ऊपर क्यूब नंबर टू आएगा, इसके ऊपर क्यूब नंबर थ्री, क्यूब नंबर फोर, ठीक है, और उस तरफ और चार क्यूब है, मतलब टोटल देयर आर एट क्यूब्स हु आर शेयरिंग दिस कॉर्नर, मतलब एक कॉर्नर में अगर आप देखते हो तो कितना एटम का पार्ट बचता है, कितना कंस्टेंट पार्टिकल का पार्ट बचता है, दैट इज 1/8। तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। सो टोटल एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप ले लो, एट कंस्टिट्यूएंसी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू 1/8 एक कॉर्नर में, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8, 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम। सो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एटम प्रेजेंट रहेगा, मतलब पूरा का पूरा अगर आप देखते हो तो एक ही एटम जब आप ज्वाइन करोगे 1/8 यहां प्रेजेंट रहेगा, 1/8 यहां, 1/8 यहां, 1/8 यहां, 1/8। तो यहां पर टोटल एक सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, जब किसका भी हो, चाहे क्यूबिक का हो या टेट्रागोनल का हो या ऑर्थोरम्बिक का, किसका भी हो, उसके पास टोटल एक ही एटम प्रेजेंट रहेगा सारे पार्टिकल में। This is what you have to keep in mind. तो ये हुआ हमारा सिंपल क्यूबिक। अब हम लोग उसका बॉडी सेंटर क्या है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, ये हमारा क्यूब है, क्यूब ही है हमारा, क्यूब है, वी नो दैट इन बॉडी सेंटर, सेंटर वाले मैंने आपको बताया कि सेंटर में कॉर्नर पे सारे आइटम्स होते ही है, प्लस एक आइटम सेंटर में भी होगा बॉडी के, तो हियर वी है 8 corners, in every corner we have 1/8 part and one atom is in the center. एक आइटम कहा है सेंटर में, तो टोटल अभी से लिखिए टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस जो भी आप लोगे एट कॉर्नर इज इक्वल टू कितना है, कॉर्नर में कितना है, at the corners is
इक्वल टू 1/8 × 8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम. ये एक एटम जो है क्वार्टर ऑफ प्लैनेट है. प्लस नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर इज 1. बरोबर, ये पूरा का पूरा बीच में है. तो देयरफॉर टोटल एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक रेडियस इज इक्वल टू 1+1 यानी 2 एटम्स. कितने एटम है टोटल इसके पास? 2 एटम. याद रखना, एक कॉर्नर में 1/8 × 8 पूरा मिला के, और एक पूरा का भरा हुआ किधर है? सेंटर में. ठीक है, मैं तो ऐसा दिखा रहा हूँ, पूरा भरा हुआ रहता है. ठीक है, जो जगह खाली रहती है वो हम देखेंगे बाद में कैसे कितना खाली रहेगा. जो जगह है वो हम देखते हैं, खाली भी देती है बट वो पूरा तार कर देता है. इसके बाद हमारे पास जो तीसरा आ रहा है वो है फेस सेंटर क्यूबिक रेडियस. हम लोग आएंगे तीसरे में फेस सेंटर क्यूबिक रेडियस. ठीक है, तो फेस सेंटर तो नाम क्या है? फेस नाम क्या? फेस सेंटर. अब हमें पता है किसी भी क्यूब के पास कितने हैं फेस होते हैं? 6 फेस. मतलब अब ये क्यूब देखिए, ये बाहर का पहला फेस, इसके सामने वाला दूसरा फेस, तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 फेस हमारे पास हो गए. दिख रहा है कि नहीं क्लियरली? 6 फेसेस आर प्रेजेंट ऑन दिस क्यूब. बरोबर, और हर एक फेस इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब. हर एक फेस, इसके बाजू में और एक क्यूब होगा, तो जो भी एटम होगा फेस के ऊपर वो कितना होगा? हाफ इसका होगा, हाफ दूसरे का होगा. तो दे आर नाउ, देखो यहां से देखो, नंबर ऑफ एटम्स एट 1 फेस इज इक्वल टू हाफ. हाफ एटम है, कंस्टेंट पार्टिकल भी बोल सकते हैं उसको. कितने हाफ एटम? देयरफॉर टोटल एटम्स एट 6 फेस इज इक्वल टू 1/2 × 6 दैट इज योर 3 एटम्स. बरोबर, ये हाफ एक फेस पे, टोटल फेस कितना है? 6 फेस. तो 6 × 1/2 के कितना होगा? 3 एटम. एंड टोटल कंस्टेंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1/2 × 1 एटम. याद रखिएगा, वी गॉट 1, 2, 3, 4 एक पीछे 5 ये सामने 6. तो वी गॉट 6 फेसेस. एंड याद रखिएगा, आपको एज्यूम करना है, 3D स्ट्रक्चर यहां पर बनाने की कोशिश किया हूं बट नहीं भी, आपको एज्यूम करना है क्यूब आपने देखा है या नहीं भी देखा होगा. तो आप लोग ने क्या नाम है डाइस क्या लूडो वूडो खेला होगा, उसमें डाइस आपने देखा होगा, 1 से लेकर 6 नंबर वही क्यूब जैसा होता है. 6 फेसेस है, हर एक फेस हाफ 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 क्या नाम है ये एटम लिया है. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल कितना हो गया? ये 3 आइटम्स है एट द फेस एंड 1/2 × 1 आइटम एट द कॉर्नर. तो देयरफॉर टोटल एटम्स इन फेस सेंटर क्यूबिक रेडियस सीसी इज इक्वल टू 1+3 दैट इज इक्वल टू 4 आइटम्स. तो कितने आइटम है टोटल? 4 आइटम. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये हम क्यूबिक रेडियस में बॉडी सेंटर में हमारे पास 2 एटम होता है, फेस सेंटर में हमारे पास 4 एटम होता है, और सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव में हमारे पास 1 एटम होता है. 1 एटम 1/8 × 8 = 1 एटम. यहां पर 1 एटम मतलब बॉडी सेंटर में क्या हो जाता है? 1 एटम पूरा सेंटर में प्रेजेंट रहता है, बाकी 1/8 × 8. तो 2 एटम बॉडी सेंटर में हो जाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक रेडियस में, और 4 एटम टोटल फेस सेंटर क्यूबिक रेडियस में, मतलब हाफ ऑफ प्रेजेंट एट द सरफेस एंड 1/2 × 6 = 3 और बाकी 1/2 × 8 टोटल मिला के हमारे पास ध्यान रखिएगा. दिस इज ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट क्यूबिक रेडियस. अब मैं आपको बहुत चीज बताता हूँ, ये जब सारे आइटम्स सारे मॉलिक्यूल्स एंड कंस्टेंट पार्टिकल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर, तो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक एटम मॉलिक्यूल या कंस्टेंट पार्टिकल दूसरे एटम मॉलिक्यूल कंस्टेंट पार्टिकल से चिपका हुआ रहता है, मतलब वो उसके साथ में क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है. ठीक है, तो यहां पर एक और नई चीज इंट्रोड्यूस, कोऑर्डिनेशन नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम. एक बीच में एक एटम होगा, उसके ऊपर जितने भी एटम और भी अटैच रहेंगे या चिपके हुए रहेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर.
और एक पॉइंट याद रखिएगा, जितना हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना स्ट्रॉन्ग वो सॉलिड होगा, मतलब उतना कम स्पेस होगा, जो एम्प्टी स्पेस जिसमें थोड़ी देर पहले जिसकी बात किया था उतना कम वहां पे एम्प्टी स्पेस है उतना स्ट्रॉन्ग वो सॉलिड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको एक बार बताता हूं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच टू द अटैच चिपका अटैच टू द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको सीएन दिया कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है, इसके बाद अभी हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो पैकेजिंग इन सॉलिड वो हम लोग करेंगे। सो पैकेजिंग इन सॉलिड में क्या हो रहा है कि देखो आपने सॉलिड देखा, सॉलिड आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे आर वेरी मतलब यू कैन नॉट फ्लो अंडरग्राउंड कुछ दीजिए, मतलब दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो पैकेजिंग इन सॉलिड जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।